आपका हार्ट एक पंप की तरह है जो ब्लड को फोर्स के साथ फेंकता है। ये एक मस्कुलर ऑर्गन है जो आपके चेस्ट में थोड़ा लेफ्ट साइड में रिब केज के अंदर सेफ है। इसका साइज कहा तो जाता है कि यह आपके एक फिस्ट के बराबर है, लेकिन असल में ये थोड़ा सा उससे बड़ा होता है। आपका हार्ट राइट और लेफ्ट साइड में डिवाइडेड है। इस तरह का डिवीजन ऑक्सीजन रिच ब्लड को कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड से अलग करता है, यानी कि उनकी मिक्सिंग नहीं होने देता। आपका हार्ट आर्टरीज वेन्स और कैपिलरीज मिलकर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। इससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई पूरे शरीर में होती है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक पहुंचाया जाता है। आपका हार्ट करीब 5 लीटर ब्लड हर मिनट पे पंप करता है, सोचो कितना काम करता है, और प्रतिदिन करीब 1,00,000 बार धड़कता है। रेस्पिरेशन टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा कि ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन से कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा क्वांटिटी में पॉइजनस होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में मिल जाता है जिसमें ऑक्सीजन बहुत कम होता है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे शरीर की कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर हार्ट में पहुंचाता है। शरीर के ऊपरी भाग के वेंस सुपीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम को और नीचे के पार्ट के वेंस इंफीरियर वेना कावा से राइट वेंट्रिकल को ब्लड पहुंचाते हैं, जो कि ब्लड को पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में भेजता है। पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स, यानी कि जहाँ कहीं भी लंग्स के ऑर्गन से रिलेटेड हम किसी ऑर्गन की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पल्मोनरी वर्ड यूज़ कर लेते हैं। ये आर्टरीज कैपिलरीज तक ब्लड पहुँचाती हैं। ये कैपिलरीज लंग्स में जो एल्वोलाई होता है, जहाँ पे जाकर के हवा भरती है, एक्युमुलेट होती है, उसके ऊपर एक नेटवर्क बनाती हैं। इन्हीं कैपिलरीज से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोलाई में चला जाता है, जिसे हम सांस के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। फिर सांस लेने से ऑक्सीजन एल्वोलाई से ब्लड कैपिलरीज, फिर पल्मोनरी वेंस से होते हुए लेफ्ट एट्रियम तक और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और फिर एओटा से होता हुआ पूरे शरीर में चला जाता है। हार्ट में 4 वॉल्व होते हैं जो ब्लड को सही डायरेक्शन में फ्लो होने देते हैं। वॉल्व समझो कि जैसे आपके घर में 2 पल्ले का दरवाज़ा हो, जिससे ब्लड एक ही डायरेक्शन में जा सकता है, वो लौट नहीं सकता। लौटने पर ये वॉल्व नहीं खुलेगा। ये 4 वॉल्व हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, मिट्रल वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व और एओर्टिक वॉल्व। करीब हर सेकंड पर ये वॉल्व खुलते हैं और बंद होते हैं। हार्ट हर धड़कन पर कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है। कॉन्ट्रैक्शन पीरियड को सिस्टली और रिलैक्सिंग पीरियड को डायस्टली कहते हैं। सिस्टली के वक्त वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे ब्लड को फोर्स मिलता है कि वो पूरे शरीर और लंग्स में तेजी से चला जाए, और जैसे आप पिचकारी से कलर डालते हैं ना किसी पर, वैसे ही राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल से थोड़ा जल्दी सिकुड़ता है। अब जैसे ही ब्लड बाहर गया, आपका वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाता है। इस स्टेज को डायस्टली कहते हैं। रिलैक्स होते ही उसमें ऊपरी चैम्बर से ब्लड लेफ्ट और राइट एट्रियम से फिर से भरने लगता है। फिर इसी तरीके से सिस्टली और डायस्टली की साइकिल चलती रहती है। आपके हार्ट के ऊपर भी आर्टरीज और कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है जो हार्ट को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सप्लाई करता है। अब वो ज़्यादा काम कर रहा है तो उसको ऑक्सीजन भी ज़्यादा चाहिए ना। आपके हार्ट में इलेक्ट्रिकल वायर्स भी होते हैं। इलेक्ट्रिकल वायर्स का मतलब वो प्लास्टिक वाला नहीं, मतलब कि नर्व सेल्स जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस देते हैं, जिससे आपका हार्ट बीट करता रहता है। इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस एट्रियम से शुरू होते हुए वेंट्रिकल की ओर एक पाथवे में घूमते हैं। ये सारे काम आपस में एक काफ़ी ग्रेट कोऑर्डिनेशन से होता है, जिससे आपका हार्ट लगातार काम करता रहता है और आपके पूरे शरीर को ब्लड सप्लाई होती रहती है। अब यहाँ ध्यान देना, आर्टरीज और पल्मोनरी वेंस में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है और वहीं वेंस और पल्मोनरी आर्टरीज में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान दे लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद।